सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करें जिससे लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव में वो कहता है कि ये जो हमारी सोसाइटी है, जो हमारे कल्चर है, इसके अंदर जो लोग हैं ना, उनकी आपस में रेस लगी हुई है, आपस में उनके दरमियान कंपटीशन है। कंपटीशन किस चीज़ का? कंपटीशन है पावर का, कंपटीशन है रिसोर्सेज का, कि मेरे पास ज़्यादा से ज़्यादा रिसोर्सेज हों, मैं ज़्यादा पावरफुल हूँ, एक दूसरे से आगे बढ़ने का कंपटीशन है। ठीक है, तो एक चीज़ ये होगी कन्फ्लिक्ट। और दूसरी चीज़ वो कह रहा है कि कन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव में इनइक्वालिटी भी आ जाती है। इनइक्वालिटी लाइक के इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है रिसोर्सेज की। जो अमीर है वो अमीर होता जा रहा है, जो गरीब है वो इतना ज़्यादा काम करके, मेहनत करके भी वो गरीब का गरीब ही रह जा रहा है, वो ज़्यादा से ज़्यादा गरीब ही होता जा रहा है। लाइक देखिए ना, एक फैक्ट्री जो है, फैक्ट्री के अंदर जो भी फैक्ट्री का काम, जो लेबर काम कर रही है, पूरी फैक्ट्री लेबर के ऊपर डिपेंडेंट है, पर जो लेबर है सबसे ज़्यादा पैसे जो है ऑनर को मिले हैं, जो काम नहीं कर रहा वो जो काम करवा रहा है, पर जो लेबर है वो सबसे ज़्यादा काम कर रही है, पर उसको सबसे कम पैसे हम देते हैं। तो इधर क्या है? इनइक्वालिटी है। ठीक है, जो रिसोर्सेज हैं उनको अच्छे तरीके से डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जा रहा, दूसरी तरफ कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। तो इस कंपटीशन और इनइक्वालिटी की वजह से लोगों के दरमियान स्ट्रेस और कन्फ्लिक्ट पैदा हो रहा है। तो इसी के ऊपर उसका मेजर फोकस है, कन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव के ऊपर, कि हमारे जो सोसाइटी है, जो कल्चर है, उसके अंदर लोगों के दरमियान में जो कन्फ्लिक्ट, जो स्ट्रेस पैदा हो रहा है वो क्यों हो रहा है, उसके पीछे रीज़न क्या है और उसको कैसे ख़त्म किया जाए।